सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और चर्चा के केंद्र में है। हम बात करेंगे तृतीय ध्रुव की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तृतीय ध्रुव चर्चा में क्यों है, तृतीय ध्रुव क्या है और तृतीय ध्रुव का सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है, और तृतीय ध्रुव और जलवायु परिवर्तन के संबंध में भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कि जो ये तृतीय ध्रुव है ये चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चिंता जताई है कि जो तीसरे क्षेत्र में स्थित हिमानियाँ हैं वो हिमानियाँ तेजी से पिघल रही हैं, क्योंकि तृतीय ध्रुव जो है वो तृतीय ध्रुव एक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसलिए यहाँ की हिमानियों के पिघलने से जो यहाँ का जनजीवन है वो बहुत ही विकट रूप से प्रभावित हो सकता है। अब बात करें कि तृतीय ध्रुव है क्या, या जिस तृतीय क्षेत्र के विषय में यहाँ पर वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है उसके विषय में हम जान लेते हैं। तृतीय ध्रुव जो है वो हिमालय और हिंदू कुश का जो क्षेत्र है वो है, यानी कि हिंदू कुश और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र आता है उसको कहा जाता है तृतीय ध्रुव। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में ध्रुवों को छोड़ दें अगर, तो उनको छोड़कर सबसे ज्यादा बर्फ के भंडार हिमालय और हिंदू कुश के बीच में मिलते हैं, तो इसलिए इसको तृतीय ध्रुव की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान ये देश आते हैं। और इसी क्षेत्र में विश्व के जो 14 सर्वोच्च शिखर हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से ज़्यादा है, वो सारे के 14 सर्वोच्च पर्वत शिखर इसी क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय ध्रुव से ही 10 बहुत बड़ी जो नदियां हैं, बहुत बड़ी क्या, दो 10 बड़ी नदियां हैं, वो नदियां निकलती हैं और इस प्रकार ये क्षेत्र वैश्विक पर्यावरण का एक महान रक्षक भी है। अब बात कर लेते हैं तृतीय ध्रुव का सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है। अगर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर बहुत विविधता देखी जाती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग मानवीय प्रजातियाँ भी हैं और साथ ही 600 से ज़्यादा भाषाएं हैं और बहुत ही बोलियाँ हैं। तो अगर समृद्धि की दृष्टि से कहें तो प्राकृतिक संसाधन से बाहुल्य क्षेत्र है और पृथ्वी के 4 बड़े जैव विविधता क्षेत्र पूरी तरीके से या आंशिक रूप से इस भूभाग के अंतर्गत आते हैं। अब पहाड़ों में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन पहाड़ों में उपलब्ध संसाधनों में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक अलग रचना की जाती है, एक अलग तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर बनता है और इस क्षेत्र में रहने वाले 210 मिलियन लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से इन संसाधनों पर आधारित है। अब बात करें अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से 1.3 बिलियन लोगों की, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 20% है, जो आजीविका है इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। और 3 बिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो तृतीय ध्रुव की नदियों पर, उनकी घाटियों पर जो यहाँ से भोजन प्राप्त होता है उस भोजन का और ऊर्जा का वो लाभ उठाते हैं। अब बात करें अगर तृतीय ध्रुव और जलवायु परिवर्तन की, तो तृतीय ध्रुव क्षेत्र में वैश्विक ताप वृद्धि की गति जो है वो वैश्विक औसत से अधिक है, यानी कि ताप वृद्धि जो यहाँ पर है वो वैश्विक औसत ताप वृद्धि से बहुत ज़्यादा है। अब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक ताप इस शताब्दी के अंत तक कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर ये वृद्धि शताब्दी के अंत तक 3.5 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हो सकती है। अब ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों में जागरूकता और जागृति इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
तभी इसके दुष्प्रभावों को कम करने में कुछ सफलता हमें मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर निवास कर रहा है। तो इसलिए ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सुझाव है तो सुझाव भी दीजिएगा। लगातार साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।